यह वीडियो आरकेसी स्टेनो पेज का सुन रहे हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। हम सब भारतवासियों को अपनी मातृभाषा के साथ एक और भारतीय भाषा जरूर आनी चाहिए। क्या इस लेख को पढ़ने वाले इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे? 5वां संकल्प, न हम किसी से डरेंगे न ही किसी को डराएंगे, क्योंकि हम उस देश के रहने वाले हैं जिसे स्वराज्य मिला अहिंसा के बल से, बिना खड़ग बिना ढाल। एक दिन राजा के दरबार में एक गरीब किसान आया। उसने राजा को एक चमकीली मणि दिया और बोला कि महाराज, वह गरीब किसान है, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आज सुबह जब वह खेतों पर काम करने जा रहा था तो यह बहुत कीमती मणि उसे रास्ते में पड़ी हुई मिली। राजा खजाने में रखने के लिए उस गरीब किसान ने वह मणि राजा को दे दी। राजा ने मणि को गौर से देखकर सहसा मुस्कुराया। तत्पश्चात मणि को दरबारियों ने भी बारी बारी से देखकर वे कानाफूसी करने लगे। दरअसल किसान जिसको कीमती मणि कह रहा था वह मणि न होकर चमकीला पत्थर था। राजा ने किसान की ओर देखते हुए कहा कि निसंदेह यह मणि बहुत कीमती है। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। राजा ने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया जाए और इस बहुमूल्य मणि को खजाने में रखवा दें। एक मंत्री राजा के पास आया और धीरे से कहा कि महाराज, आप किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं न दें, क्योंकि यह मणि न होकर एक पत्थर है और इसकी कीमत चंद स्वर्ण मुद्राओं से अधिक नहीं है। लेकिन राजा ने मंत्री को बाद में बात करने के लिए कहा। किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा कर दिया गया। किसान के जाते ही सेनापति ने राजा से कहा कि अभी आपने मणि के बदले में किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी है।